29 धर्म री अखाड़ी हरदे दरियो होए, जम्बो जी कृपा करी नाम विष्णु होए। विष्णु समाज से जुड़े संत राजूराम ने उनके गुरु जम्बेश्वर द्वारा दी गई 29 नियमों की सीख के संबंध में एक एक नियमों का क्या महत्व है उसकी जानकारी दी है। आइए आप भी जानिए आखिर 29 नियमों क्या रहता है विष्णु समाज के लिए महत्व। 29 नियम गुरु महाराज रामो जी ने बतलाए थे आज से 550 वर्ष पहले, इस विष्णु पंथ का उन्होंने बोध किया था। जो गुरु महाराज ने हमें 29 नियम दिए थे, 29 नियमों का मतलब है कि हमें जीवन जीने का तरीका, कहीं हम विधि कहें या जीवन जीने का जो सिस्टम कैसा होना चाहिए वो हमें बतलाया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर हमें वो स्नान, शरीर की शुद्धि कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई। उनके भगवान का सूर्योदय होते ही सूर्य भगवान को नमस्कार करें, फिर कैसे हमें जो है दिनचर्या शुरू करनी चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए और हवन यज्ञ से हमें गुरुवाणी के द्वारा हम यज्ञ करते हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा हमारी दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद फिर हमें हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारी बोल चाल कैसी होनी चाहिए, नशे से हमें क्यों दूर रहना चाहिए, नशा हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुँचा, सारी चीज़ें गुरु महाराज ने बताई। जैसे गुरु महाराज ने कहा ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ये चीज़ें धारण करना, जैसे चोरी, निंदा, झूठ, बरजो, वादन करने पर चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और क्षमा दया हृदय धरो गुरु बतायो जा, क्षमा रखनी चाहिए, जीव मात्र पे दया रखनी चाहिए। ये हमें गुरु जी ने बड़ी विचार करके सारी चीज़ों का सार हमें बतलाया और गुरु महाराज ने हमें कहा कि ये चीज़ें आपके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, कोई प्रकार की जो है हिस्सा नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें अपने को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, अमल, तमाकू, भांग, मद, मांस, इन चीज़ों से हमें दूर रहना है, अफीम नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा, दारू नहीं पीना है। तो उसमें सारी चीज़ें आ गई, जो व्यसन जो होता है सारी चीज़ें हमें गुरु महाराज ने मना की। तो गुरु महाराज ने हमें जो भोजन करने के लिए खाने की जो वस्तु बताई, तुम्हें स्वस्थ रहना है तुम्हें क्या खाना है, अन्नु धन्नु दूध दही घी मयू टेहूँ, मारवाड़ी भाषा में उन्होंने कहा है कि अन्न दूध दही घी मेवा मिष्ठान ये चीज़ें हमें, और हरे वृक्षों को नहीं काटना है, पर्यावरण के लिए जरूरी है, तुम श्वास लेना है जीना है ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, हरे वृक्षों नहीं काटना है, वन्य जीवों को नहीं मारना है, जीव मात्र पे हमें दया करना है गुरु महाराज ने सिखाया है। और ये भी कहा है अभी जितना हो सके तुम जीवों को बचाइए और तुम बचा सकते हो वहाँ बचाओ और तुम उस जिस जगह असमर्थ हो जाओ तो उसको मत मरने दो, तुम मर जाओ और उसको जिंदा करो, ये हमें गुरु महाराज ने सिखाया। उन्होंने कहा क्षमा दया हृदय करो, पर क्षमा करने की कई पैमाने होते हैं, जैसे कि क्षमा उसी को किया जाता है जो हमसे बल में हर तरीके में हमसे कमज़ोर हो और उसने भूल बस गलती की उसको क्षमा किया जाता है, जो जानबूझ के गलती करता है उसको आप कितनी बार क्षमा करेंगे ये भी नहीं हो सकता।